अच्छा शेख, इसी में एक सवाल मैं और ऐड कर रहा हूँ कि वहाँ की परमिशन सिर्फ 5 लीटर या थोड़ा से जो भी एक मुतय्यन है वो है, लेकिन वहाँ से लोग चोरी करके, मतलब चोरी क्या, वो बैग में भर करके या एयरपोर्ट पे कुछ परमिशन लेकर के लोग लेके आते हैं जिसकी इजाजत नहीं है, क्या इसको लाना इस तरह से जायज होगा? देखिए, कई सारी चीजें हैं। एक तो जैसे जिस फ्लाइट से, जिस कंपनी की फ्लाइट से आप आ रही हैं, उसमें भी एक निजाम होता है जिसकी पाबंदी आपको करनी होती है। तो अगर उसकी पाबंदी आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है। अगर जहां से पानी आप भर रहे हैं, जहां से पानी आप हासिल कर रहे हैं, वहां पे भी एक निजाम होता है कि आप इतना ले सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो लिहाजा एक नेक काम करने के लिए गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। और आदमी अगर इस जज्बे से उस काम को छोड़ देगा कि ये गलत है, तो इंशाल्लाह इस पर भी उसको अज्र मिलेगा। तो जो वहां का निजाम है, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जाहिर है वो निजाम इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को आसानियां हो, तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। आप जब तक वहां होते हैं मक्का के अंदर या मदीना के अंदर, तब तक तो हरमैन के अंदर पानी के बहुत सारे का इंतजाम होता है। आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं, लेकिन पानी वहां से मस्जिद के अंदर जो पानी रखा होता है उसको भर करके ले जाने की इजाजत नहीं होती है। या आप कह सकते हैं छोटा मोटा बोतल आपके पास है तो उसमें भर लेते हैं, उसको वहां के लोग मना भी नहीं करते हैं कि गोया कि उर्फन वो चीज जायज है, वहां के उर्फ में वो चीज जायज है कि छोटा मोटा बोतल आपके साथ है तो उसमें आप पीने के लिए भर लीजिए। तो अगर इस तरह लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। बस ख्याल रखें कि कोई ऐसा काम ना करें जो वहां के निजाम के खिलाफ हो, क्योंकि उसकी पाबंदी करना भी जरूरी है।